नमस्ते प्रियांशु। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। नमस्ते प्रियांशु, सुनने में आया तुम्हारा एडमिशन पन्नागढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ है। जी दीदी। बधाई हो, बहुत लकी हो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाए हो। थैंक यू। बधाई हो प्रियांशु, बड़ी खुशी हुई यह बात जानकर कि तुम्हारा एडमिशन पन्नागढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ है। थैंक यू। पन्नागढ़ यूनिवर्सिटी का इतिहास तो बहुत बड़ा है। जी। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि पन्नागढ़ यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति कौन थे? ये तो मैं नहीं जानता हूँ भैया। चलो कोई बात नहीं, पन्नागढ़ में सिलेक्शन हुआ है तो पन्नागढ़ का इतिहास भी जानो। जी बिल्कुल। ठीक है प्रियांशु, फिर मिलते हैं। जी दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, जिसका इतिहास आज से लगभग 60 साल पुराना है, जिसको समय के साथ बढ़ाने का दायित्व हर उस व्यक्ति का है जो इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हो। पंतनगर म्यूजियम इसी की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। विश्वविद्यालय का म्यूजियम इसकी महान हेरिटेज परंपरा को दर्शाता है। ये अपने आप में एक अनूठा संग्रहालय, जहाँ ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राधाकृष्ण जी, अब्दुल कलाम जी और नॉर्मन बॉरलॉग जैसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जो यहाँ आए और उन्होंने इस विश्वविद्यालय से क्या आशाएं रखी थी। शायद ही कोई ऐसा कृषि विश्वविद्यालय भारतवर्ष में होगा जहाँ इतनी महान हस्तियाँ पधारी और उन्होंने ये लिखित में अपनी आकांक्षाएं, देश को इस विश्वविद्यालय से क्या आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनको उद्धृत किया है और उनको पूरा करने का ही एक इतिहास 60 वर्ष का वहाँ पर 70 वर्ष 1960 से लेकर अब तक दर्शाए गए हैं कि उन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय ने किस तरह से काम किया। विश्वविद्यालय का इतिहास एक जगह पर संरक्षित हो और प्रथम दशक से लेकर आज तक के विश्वविद्यालय में जितनी महत्वपूर्ण गतिविधियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम हरित क्रांति के जन्म से लेकर आज तक हुए हैं, वो सब संरक्षित होकर एक जगह पर आने वाली संततियों के लिए हों, ये हमारा स्वप्न था। इस विश्वविद्यालय को इसकी आवश्यकता थी। विश्वविद्यालय का इतिहास केवल इस यूनिवर्सिटी कैंपस के इतिहास से जुड़ता हुआ नहीं है, यह पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में, पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में, देश के संदर्भ में हरित क्रांति का जन्म और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की ओर भारत का जो कदम बढ़ा था स्वतंत्र भारत में, उसके इतिहास को संरक्षित करने जैसी बात थी। इसीलिए राष्ट्रीय महत्व का विषय था और इसीलिए हमने निर्णय किया कि चाहे जैसे भी हो, विश्वविद्यालय का अपना एक म्यूजियम बनना चाहिए जहाँ इन सारी यादों को हम संभाल के संजो के रख पाए। इस म्यूजियम को बनाने में लगभग 8000 घंटे, 4000 फोटोज, 20000 से भी ज्यादा किताबों के पन्नों को पलटा गया। वर्किंग ऑन पन्नागढ़ म्यूजियम हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज एंड इट वाज इंडीड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम एफर्ट आल्सो। लगभग 6 महीने तक और 8000 घंटों से ज्यादा एक पूरी स्ट्रांग टीम ने मिलकर पन्नागढ़ म्यूजियम को डिजाइन और डेवलप करने के लिए एफर्ट किया। We followed a systematic process to get the material and we did a systematic research to get relevant material for the museum. हमने पुराने photographs देखे, पुराने books देखे और दो books हैं जिनका मैं special mention करना चाहूँगी। One is Story of Pannagar by Shri Bhandarkar ji and the other one is The Five Decades of Pannagar, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा information मिली और हमें sources मिले जिनसे हमने museum के लिए और content को gather करने के लिए effort किया। Other than that, lots of videos, lots of audios, lots of material from the faculty members, old vice chancellors, alumni, students, इन सभी sources से हमने अलग अलग levels पर content gather करने की कोशिश करी। उस gathered content को फिर हमने analyze किया और analyze करके एक पूरा chart develop किया that how we can present this content in the most lucrative, interesting and inspirational
form so that whosoever visits Pantnagar is inspired by the story of inception of agricultural universities in India, which began from this pious land of Pantnagar. इतिहास को अलंकार लगाना इतना आसान नहीं था. म्यूजियम को सवारना एक चुनौती बन चुकी थी. जहां एक तरफ नाहिर की पूरी टीम इतिहास के पन्नों को पलटने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ इलिनॉइस यूनिवर्सिटी, जिसको पंतनगर यूनिवर्सिटी के जेनेसिस का श्रेय जाता है, ने म्यूजियम को बनाने में पूरा सहयोग दिया. विश्वविद्यालय के प्रारंभिक काल में 1960 में जो यहाँ थे इस विश्वविद्यालय में और इलिनॉय यूनिवर्सिटी से आए थे जो अमेरिकन प्रोफेसर्स थे, हमने वहां से भी जानने की कोशिश प्रारंभ की कि कुछ वहां से भी सूत्र इकट्ठा करते हैं. और ढूंढते ढूंढते हम एक मनुष्य के पास, एक व्यक्ति के पास पहुंचे जिनका नाम था ग्रोवर वेब्स. और ग्रोवर वेब्स साहब ने जो 1960 में अपने मम्मी पापा के साथ में इस कैंपस में होते थे 17 नवम्बर, उस समय के संरक्षित कलर्ड फोटोग्राफ्स उन्होंने हमारे साथ शेयर की जो हमने इस म्यूजियम में लगाई हैं. और कितना आनंद का विषय था कि आज 62 साल बाद उन्होंने उन तस्वीरों को संभाल के रखा था, संरक्षित करके रखा था पंतनगर की महत्वपूर्ण स्मृतियों के रूप में. और यह देखकर हमारा मन प्रसन्न हुआ, भाव विवल हुए हम कि 62 वर्षों बाद उन्होंने उन कलर्ड फोटोग्राफ्स को सारे हमारे साथ शेयर किए, जिसमें पंडित नेहरू भी है, जिसमें उस समय की प्रारंभिक स्मृतियां सहेजी हुई है, और उनको हमने इस म्यूजियम में लगाया. इस म्यूजियम में यूनिवर्सिटी के स्थापना काल से लेकर अब तक की सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को समेट के रखा गया है. साथ ही विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को भी सजाया और संवारा गया है. इन सब का प्रमाणीकरण करना एक चुनौती से कम नहीं था. यूनिवर्सिटी का अचीवमेंट पिछले 2-3 दशक में जो था, दिखाने के लिए हमारे जितने अवार्ड्स मिले थे, चाहे वो स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को या किसी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को, जो भी जिस प्लेटफॉर्म में अवार्ड्स मिले थे, वो अवार्ड्स के सर्टिफिकेट्स, उनके रिलेटेड मेडल्स जो होते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब कलेक्ट करना, क्योंकि ये सब कहीं पे प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में रखा नहीं गया था, तो इंडिविजुअल ग्रुप्स को कॉन्टैक्ट करते हुए वो सब मेटेरियल कलेक्ट किए. वो भी एक थोड़ा सा, एक छोटा सा चैलेंज था, बट फॉर्चुनेटली हमने जिन जिन को कॉन्टैक्ट किया, वो सब मेटेरियल हमें मिल गए. फिर उनका भी क्वालिटी अनाउंसमेंट करते हुए एक डिस्प्ले करने लायक हमने उसको बनाया. 1960 से लेकर अभी तक 2020 तक जो 6 दशक हैं, हर दशक को हमने बोर्ड में एक अलग अलग सेक्शन में दिखाने की कोशिश की. तो उनमें फोटोग्राफ्स के लिए जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसमें लेटर्स लगाए गए थे, वो इंडिविजुअल लेटर्स उसमें लगाए गए हैं. तो चैलेंज था उनका अलाइनमेंट भी, वो मतलब हम जहाँ पे खड़े हैं सामने देखते हैं उनका अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो करेक्ट रहे. और उसमें जो मैटर हम लिख रहे हैं, चाहे उसका जो ईयर का इवेंट हो या जो व्यक्ति विशेष हैं उनके नाम हो, चाहे कोई भी अंग्रेजी का शब्द उसमें हो, वो सब करेक्ट होना चाहिए था. करेक्ट टू द लास्ट लेटर, करेक्ट टू द लास्ट वर्ड, ये भी चैलेंज था. म्यूजियम में कई ऐसी तस्वीरों को सजाया गया है जिसमें विश्वविद्यालय से जुड़ी कई यादें हैं जो समय के साथ धुंधली हो गई थी. इस म्यूजियम को बनाने के लिए 1960 से लेकर अभी तक की सारी फोटोज को एक जगह कलेक्ट करना हमारी टीम के लिए काफी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये सारी फोटोज अलग अलग डिपार्टमेंट्स एंड कॉलेजेस में बिखरी हुई थी. तब हमारी टीम ने अलग अलग कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट्स में जाकर इन सारे फोटोज को एक जगह कलेक्ट किया. उनमें से कुछ फोटोज इतनी पुरानी थी कि उसे म्यूजियम में नहीं लगाया जा सकता था. तब हमारी स्किल्ड फोटोग्राफी टीम ने अपने प्रयास और अनुभव से उन फोटोज को इस योग्य बनाया कि उसे म्यूजियम में लगाया जा सके. यूं तो पंतनगर का इतिहास खुली किताब जैसा है, परंतु न जाने इस किताब के कितने ही पन्नों की स्याही समय के साथ सूख चुकी है, जिसे संवारने के लिए पंतनगर म्यूजियम का निर्माण एक बहुत बड़ा कदम है, ताकि आज की एवं आने वाली पीढ़ी भी इस देव भूमि के धरोहर को सदियों सदियों तक याद रखें.